हाँ तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन, 24th? हाँ हाँ सर, तो एक क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, शायद इसका बुकलेट का क्वेश्चन है बुकलेट ये। का है। तो बोल रहा है थ्री आइडेंटिकल स्फेयर मूव डाउन थ्री इंक्लाइन प्लेन ए बी सी ऑफ सेम डायमेंशन ए विदाउट फ्रिक्शन। तो देयर आर थ्री आइडेंटिकल ये हमारे पास में एक मान लो ग्राउंड है, इसमें इंक्लाइन प्लेन बना रखे हैं तीन, एक दो इसका मतलब है कि तीनों का एंगल सेम है ना, मतलब तीनों के अगर डाइमेंशंस सेम है तो तीनों ऐसे दिया हुआ। स्फेयर हमारे पास में कैसा है, सॉलिड, सॉलिड स्फेयर मैंने रखा हुआ। यहाँ पे रखा होगा, मास है मान लो रेडियस आर। ओके, अब तीनों के अंदर तुमको दिया हुआ है कि क्या क्या कंडीशन है। ए इज विदाउट फ्रिक्शन है ना, तो इसके अंदर ये जो है म्यू इक्वल टू जीरो है। बी फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड स्फेयर इज सफिशियंट टू कॉल, हाँ इसके अंदर म्यू है एंड रोलिंग होगा, प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग, और इसके अंदर भी म्यू है लेकिन इतना नहीं है कि वो उसको करवा सके। तो हमसे क्या पूछा है, कौन सा स्फेयर सबसे पहले नीचे आएगा ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, क्या होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी जब बॉटम पे आएगा तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये ए है, ये बी, ये सी, चलो बताओ तुम क्या सोचते हो। सी की होगी क्योंकि उसका रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, किसका, सी का नहीं स्लिपिंग हो सर, रही है बी भाई, का भी तो होगा। जो सी है वो तो स्लिप भी कर रहा है ना। देखो अगर तीनों की हाइट सेम है, अगर तीनों को सेम हाइट से मैंने छोड़ा तो तीनों के पास जो है पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कैसी है, सेम है ना। जब ये नीचे आएंगे, सपोज ये वाला नीचे आ गया, तो इसकी सारी की सारी एनर्जी कहाँ चलेगी, अपने इसमें आ गई ना, काइनेटिक एनर्जी में आ गई। सपोज इसका वेलोसिटी वी, इसके पास में ओमेगा आएगा, हाँ नहीं आएगा ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हाफ एम वी स्क्वायर ही तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, इसके अंदर ये कर रहा है, रोल कर रहा है, इसका वेलोसिटी वी होगा और इसके पास में ओमेगा भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करके तो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना, एम जी एच है। थर्ड वाले में बताओ, स्लिपिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक वो लगता है ना फ्रिक्शन, प्योर अपने रोलिंग में तो, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, जब चीजें स्लिप हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर तो क्या होता है, काइनेटिक काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरा एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा वो ये लगेगा, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी उसमें गई ना, फ्रिक्शन में गई, कितनी गई, म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू एल, वेयर में एल सर, इज द सेकंड डिस्टेंस, वाले में क्यों नहीं गई, क्योंकि सेकंड वाले में प्योर है ना, रोलिंग हो रहा था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्कडन कितना आता है, जीरो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तभी तो हमने कहा था ना कि अगर एक स्फेयर को तुम मैंने फ्लोर के ऊपर अगर छोड़ दोगे रोलिंग के लिए तो वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर वर्क ही नहीं करता। तो यहाँ देखो, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है क्योंकि फ्रिक्शन भी कुछ एनर्जी को खा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, लेकिन ये दोनों ही बड़े हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी से, तो तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
और बताओ, और बताओ। ठीक है, और कोई? चलो फिर ठीक है, आज हम एक न्यू चीज स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। नाम सुना है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बताने वाले थे। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दो। देखो, एक तो होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई? m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2, राइट? अब मुझे बताओ कि अगर इन मासेस को मैंने ग्रेविटी फ्री स्पेस में रख दूं तो उससे भी क्या होगा? उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, मास तो उतना ही रहेगा वो। तो मतलब कि सपोज मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को चाहे मैं अर्थ पे रखूं या मून पे रखूं या किसी भी और कहते हैं उस पे रखूं, मेरे रॉड का सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा ना बीच में, राइट? तो मतलब सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, वो रॉड के बीच में ही है हमेशा, चाहे तुम उसको कहीं भी ले जाओ। लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें फोर्स आ गया ना यार, तो ये मेरे पास में होता है F1 r1 plus F2 r2 upon F1 plus F2। मतलब पहले वाले जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स इनटू उसका पोजीशन प्लस दूसरे वाले फोर्स पे लगने वाला इनटू उसका पोजीशन अपॉन टोटल फोर्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों मास को ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गया तो क्या सेंटर ऑफ जो अपना ग्रेविटी है डिफाइन है? नहीं, क्योंकि वहां तो होगा ही नहीं ना, मास के ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो, इफ यू आर आउटसाइड अर्थ एंड नियर बाय, नियर बाय मैंने इसलिए लिखा ताकि तुम्हारे पास जो फोर्स है वो mg रहे, तो सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? और सेंटर ऑफ जो अपना ग्रेविटी क्या बन जाएगा? m1 g r1 प्लस m2 g r2 अपॉन m1 g प्लस m2 g। अब देखो इक्वली है ना ये दोनों, तो g तो कैंसिल हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट? देखो, तो अगर तुम अर्थ के बाहर हो और तुम एक कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड में हो तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो सेम है। लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारे पास में अर्थ है ये, ठीक है, हमने दो मास ले लिए, एक मास हमने यहां पे रखा M, एक मास हमने यहाँ पे रख दिया सेंटर पे M। इनका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ? बीच पे होगा, यहाँ पे होगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखो पहले वाले के ऊपर कितना फोर्स लग गया, मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना होता है ग्रेविटी? जी होता है ना, तो क्या लिखोगे? mg प्लस mg into उसका वो कितना पोजीशन कितना है उसका? r प्लस अर्थ के सेंटर पे कितना होता है ग्रेविटेशन फील्ड? जीरो। तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? जीरो, ठीक है, अपॉन f1 प्लस f2, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? mg प्लस इसके ऊपर कितना लग रहा है? जीरो। तो मेरे पास जो सेंटर ऑफ अपना ग्रेविटी वो कहां पे आ गया? r पे। सेंटर ऑफ मास कहां पे आया? r/2 पे। देखो, तो नाउ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर डिफरेंस। तो जब तक तुम्हारे पास में जो फोर्स, जो अपना ग्रेविटी वाला फोर्स है वो कांस्टेंट है, तब तक तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जैसे तुम्हारे स्फीयर वाले क्वेश्चन आते हैं, रिंग वाले आते हैं,
सबके अंदर सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम इस वाली अपने सिचुएशन में आ जाओगे, ठीक है, अगर कोई तुम्हें बोले कि सन नहीं अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ जोन ग्रेविटी है, क्या वो सेम पॉइंट है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और कोई भी अगर प्लेनेट या सन इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू विल चेंज, तो नहीं होगा। ओके, यस। तो 99.9% जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्योंकि तुम तो सारे क्वेश्चन वही करते हो ना, अर्थ के ऊपर ही लेते हो यार, तो देयर इज नो इशू। चलो आगे आता। अब तुम्हारा जो स्कूल का जो होते हैं लेक्चर होते हैं उसके अंदर हो गया ना रोटेशन चैप्टर? नहीं सर। क्यों? तो ही हो गया। हाँ हो गया सर। तो ये अभी किसने बोला कि नहीं हुआ सर? स्टेट बोर्ड में चालू है, मतलब स्टेट बोर्ड में 12th का फर्स्ट चैप्टर है अभी सीखा रहे सर। तो स्टार्ट हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम पे आ गए। हाँ हाँ, तो बताओ मुझे क्या होता है एंगुलर मोमेंटम सर? एंगुलर मोमेंटम ही बाकी है, वो अगले क्लास में स्टार्ट। अच्छा हाँ, अपने सीबीएसई वाले बताओ क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। बताओ बताओ, कोई तो बताओ। ओके, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, यस। ओके, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो इस चीज को करता है डिफाइन। जैसे हमको पता ना, एक है ना इक्वेशन थी फोर्स इक्वल टू डीपी बाय डीटी, राइट? ये अपना न्यूटन सेकेंड लॉ था। सो इफ आई वॉन्ट टू चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम, सो आई रिक्वायर फोर्स। तो फोर्स वॉज द क्वान्टिटी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग इन द लीनियर मोमेंटम। सपोज तुम्हारे सामने एक ट्रक आ रहा है, एक कार आ रही है, दोनों के पास सेम वेलोसिटी है, तो मोमेंटम ही डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज तुमको ज्यादा हार्म करेगी। या फिर इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप बोथ द ऑब्जेक्ट्स, जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसके लिए यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, जिसका मोमेंटम कम है यू हैव टू अप्लाई लेस फोर्स। तो ये एक उसका फिजिकल वो था रिप्रेजेंटेशन। तो वैसे ही जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि भाई एंगुलर मोमेंटम, बॉडी को एंगुलर कहते वो करना घुमाना है, तो किसी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम एक ऐसा वन फिजिकल क्वांटिटी है जो कि के रोटेशन से रिलेटेड है, कि रोटेट कैसे हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं, पहले एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी भाई? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है ना। डेफिनेशन क्या होता है? एक तो ओमेगा को हम ये लिख सकते हैं, ये होता है डी थीटा बाय डी टी, होता ही है द रेट एट विच योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये। एक मैंने तुमको एक चीज और बताई होगी जब अपने सर्कुलर मोशन किया होगा। सपोज एक पार्टिकल है वो यहाँ पे है और वो यहाँ जा रहा है, इसका वेलोसिटी सपोज वी है, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है ओ, तो बताओ इसके फ्रेम में इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी है या नहीं, बस इतना बताओ। सर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। यस भाई, हमको सर्कुलर मोशन फील कब होता है? जब मैं देखता हूं कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी
रेडियस के परपेंडिकुलर है. तो सपोज ये जो डिस्टेंस है ये आर डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये एंगल सपोज थीटा है. तो मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट किया, यहाँ पे क्या बन जाएगा वी कॉस थीटा, यहाँ की तरफ क्या आएगा वी साइन थीटा. तो एट दैट मोमेंट डी आर बाई डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, द रेट एट विच आर इज चेंजिंग, आर क्या है ओ से पी का डिस्टेंस, तो वो क्या बन जाएगा वी कॉस थीटा, द रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज चेंजिंग है रिलेटिव वेलोसिटी. एंड ये जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी जब होती है तो वो तो डिस्टेंस चेंज नहीं करती ना, तो इससे मेरे पास में ओमेगा आता है. तो मैं लिखता हूं कि जो अपना ओमेगा होता है, ओमेगा अबाउट ओ, तो ये होता है वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. तो इस पॉइंट पे हमारा कितना बन जाएगा वी परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा बाय आर. ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है. इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये सर्कुलर मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एट दैट मोमेंट. आफ्टर सम टाइम इट विल चेंज, क्योंकि वो पार्टिकल थोड़ा सा आगे चला जाएगा. ठीक है अभी ये तो याद है ना, सर्कुलर मोशन में किया हुआ था हमने. या फिर अगर किसी को कुछ के अंदर है डाउट है तो बता दो अभी भी. याद है सर अभी बाकी लोग. यस सर. सही आ गया हूँ. हाँ सर. हाँ तो ये हमारे पास में था. तो उसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमने एक चीज स्टार्ट की, एंगुलर मोमेंटम. अब जैसे कि एंगुलर मोमेंटम को एनालाइज करने के लिए मेरे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं. ऑब्जेक्ट तो मेरे पास बहुत सारे होते हैं. आई हैव ऑब्जेक्ट लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई हैव ऑब्जेक्ट लाइक रिजिड बॉडी. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अपना इजी होता है ना. तो पहले हमने लिखा कि एंगुलर मोमेंटम फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट. और एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल होता है कैपिटल एल, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो देखो किसी भी के लिए, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने कैसे किया है. सपोज ये एक मेरा पॉइंट है, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा है. इस ऑब्जर्वर को सपोज मैं बोल देता हूँ ओ, क्योंकि सब कुछ इसके फ्रेम में हो रहा है. एक पार्टिकल है यहाँ पे, वो सपोज यहाँ जा रहा है. ठीक है, ये है उसका वेलोसिटी वेक्टर और मास है इसका m. ये इसको को देख रहा है बस. दिस गाय इज जस्ट लुकिंग एट दैट पॉइंट. तो इसको ऐसे देख रहा होगा ना, ये इस लाइन के लोग. तो ये जो वेक्टर है ये क्या बन गया, ओपी वेक्टर बन गया ना. ओपी वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. और पोजिशन वेक्टर और जो वेलोसिटी वेक्टर है सपोज उनके बीच में एंगल बन गया थीटा. अब बात करते हैं इसके लीनियर मोमेंटम की. लीनियर मोमेंटम कहाँ पे आता है, लीनियर मोमेंटम इज, हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर. मास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका यहाँ की तरफ ही आ जाएगा एम इंटू वी, जिसको मैं बोल सकता हूँ लीनियर मोमेंटम वेक्टर. तो इस पॉइंट के अबाउट में हमने एंगुलर मोमेंटम को किया है डिफाइन ऐसे कि एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी, वेयर पी इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. आर क्रॉस पी, समझ में आता है आर क्रॉस पी का मतलब क्या होता है. ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट. तो देखो अब एक फील देखते हैं. यहाँ पे आर क्रॉस पी का अगर मैं पहले तो ये निकालता हूँ मैं मैग्नीट्यूड, क्या आएगा मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटो साइन थीटा. और अब मैं निकालता हूं इसका डायरेक्शन. जैसे इसी के अंदर देखूं तो आर क्रॉस पी, मुझे आर से पी की तरफ आना है, यहाँ की तरफ आना है. तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आएगा वो कहाँ की तरफ आएगा, मैं अपवर्ड या डाउनवर्ड, इन टू द प्लेन. ठीक है, तो मैं कहूंगा इन टू द प्लेन. अब इन टू द प्लेन वेक्टर कब आता है, सपोज मेरे पास एक वॉच है, इसका मुझे वेक्टर में इन टू द प्लेन चाहिए, तो इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा होना पड़ेगा ना, ये वाला, तभी तो मेरा हाथ अंदर जाएगा.
राइट। तो मतलब अगर मेरा ऑब्जर्वर यहां बैठा है तो मुझे उस टाइम फील होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, वो तुम यहाँ पे अपने आप ही देख सकते हो। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा है तो इट विल फील, क्योंकि देखो ना इसका एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा ना अपना ओमेगा वाला, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ऑब्जर्वर को यही फील होगा कि जो मेरा पॉइंट है दैट इज रोटेटिंग और यू कैन से रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज मैनर। देखो ना, क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा इसको और वो कर देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज पी वेक्टर इनटू आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या बन जाएगा, ये लो, ये लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, ये यहां कर दिया, ये एंगल थीटा तो ये थीटा, ये आर है तो ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि एंगुलर मोमेंटम इज एम वी इंटू ये क्या है, मैं आर साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इज डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम लाइन ऑफ मोमेंटम। जैसे हम उसमें करते थे ना टॉर्क में, क्या होता था टॉर्क, फोर्स इंटू फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम चीज यहाँ पे है, जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये बन गई ना, ये अपना वेलोसिटी वाली लाइन बन गई है, इस लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके हाँ भाई, ठीक है। अरे कुछ तो बोलो। यस गुड। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर मैं सिंपली लिखना चाहूं तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं जनरली, एम वी आर साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड बन गया। एम वी इज द लीनियर मोमेंटम, आर साइन थीटा इज द डिस्टेंस। आगे जो भी इसका वेक्टर आएगा, वेक्टर या तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन। फाइन, यस सर, यस। तो सिंगल पॉइंट के अबाउट में ये हो गया। फिर अगर मेरे पास में, जैसे अपने वो किया था ना काइनेटिक एनर्जी किया था, उसी टाइप से करेंगे सेकंड पार्ट। इफ प्योर रोटेशन, क्या मतलब होता है प्योर रोटेशन का, प्योर रोटेशन, रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, राइट। एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये मेरे पास में वो है। तो देखो जैसे सपोज मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है, और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट में प्योर एन रोटेशन कर रहा है, ये मेरा एक्सिस है, इसके अबाउट में ये पूरा ऑब्जेक्ट सपोज अपना ओमेगा से घूम रहा है। वही वही बात है, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रोटेट कर रहा है देन देयर हैज टू बी वो क्या बोलते हैं अपना एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो अब देखो, अब मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम। आई नो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने क्या किया, इस एक्सिस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके, यहां से आर डिस्टेंस पे जाके एक मास ले लिया dn। अब बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ये है तो इसका का लीनियर वेलोसिटी क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू आर। और मुझे पता है कि ओमेगा इंटू आर जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी, टेंजेंशियल, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल।
तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर मोमेंटम है dl क्या बन जाएगा, अभी हमने क्या किया है एम वी आ गया एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, तो m कितना है dm, उसका वेलोसिटी कितना है ओमेगा इंटू आर, और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r। हाँ? अब ये लो, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए था, अब तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या बन जाएगा, हमको पता है सर्कुलर पैरामीटर आज सेम, तो ओमेगा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, क्या होता है डीएम इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि आर जो डिस्टेंस है वो इसी एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये अगर मेरा जो एक्सिस है ये ओ ओ डैश है, तो मैं लिख दूंगा क्या बन जाएगा ये आई ओ ओ डैश इनटू ओमेगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट मेरा प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो जिस पॉइंट के अबाउट में वो कर रहा है उसी पॉइंट के अबाउट में एंगुलर वेलोसिटी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये तुमको उसके साथ नहीं लग रहा जैसा कि हमने काइनेटिक एनर्जी में किया था सर, मास के जगह आया आ जाता है और वेलोसिटी की जगह होता है। यस एक्सेलरेशन भाई देखो ना, जैसे कि लीनियर जो है मोमेंटम होता है उसके अंदर जो इनर्शिया वाला फैक्टर होता है दैट इज मास, इसके अंदर क्या होता है इनर्शिया वाला फैक्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें क्या होता है जो है वेलोसिटी वाली टर्म क्या होती है वेलोसिटी, इसमें क्या आती है एंगुलर वेलोसिटी, तो दोनों ही सिमिलर हैं कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हमने वो किया था ना काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर मेरा पूरा कहते ट्रांसलेशन हो रहा है तो क्या आया था हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मेरा प्योर एनर्जी रोटेशन हो रहा है तो क्या आया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें क्या आ गया आई ओमेगा। ओके देखो जैसे अपने एग्जांपल करके बताते हैं, सपोज एक रॉड है, इस रॉड को मैंने यहां से छोड़ा, मास m लेंथ l, यहां से इसको छोड़ दिया, छोड़ते ही इसको बोल दिया t इक्वल टू जीरो, ये रॉड ऐसे आएगी नीचे है ना, यहां पे आएगी ना भाई, यहाँ पे आ गए, तो बताओ जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगी इसका ओमेगा कितना होगा, और यहाँ पे इसका एंगुलर मोमेंटम में निकालना है फिर। चलो करो, रॉड को छोड़ दिया ऊपर से मैं हॉरिजॉन्टल उसके अंदर पोजीशन में, ओमेगा रूट टू जी एच बाय आर होगा। ओके कैसे किया सर वो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के मुझे पता है कि पॉइंट ओ के अबाउट में ऑब्जेक्ट जो है वो प्योर एनर्जी रोटेशन कर रहा है राइट,
तो जो भी है पोटेंशियल एनर्जी थी वो अपना काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक आया, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, एल बाई टू, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ, इस पॉइंट के अबाउट में आई कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, रॉड का एक पॉइंट के अबाउट में इन टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास में ओमेगा क्या बन जाएगा भाई, थ्री जी बाई एल का रूट, राइट है ना, सही है ना। हाफ एम वी स्क्वायर वाला पार्ट क्यों नहीं आया? अरे कैसे आएगा, प्योर है ना, रोटेशन हो रहा है ना इस पॉइंट के अबाउट में। अच्छा, हाँ। तो जब तो मैं जिस पॉइंट के अबाउट में करवा रहा हूँ तो उसी पॉइंट के अबाउट में, फॉर्मूले याद हैं काइनेटिक एनर्जी के। अब देखो इस पॉइंट पे हमको ओमेगा पता लग गया, तो मुझे बताओ अपना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई जिस एक्स प्योर रोटेशन की बात कर रहा हूँ, आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा, आई अबाउट ओ कितना बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा कितना है, रूट थ्री जी बाई एल, ये हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम बन गया। ठीक है, यस सही, डाउट आउट है ना, बता सर आपने एल बाई टू क्यों दिया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, रॉड का यहाँ होता है ना, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, यहाँ पे आएगा ना L by 2 नीचे आया, जब हम सर तो MN square by 3 में भी L by 2 लेंगे। अरे क्यों भाई, एक रॉड का किसी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये पूरा रॉड है इस पॉइंट के अबाउट में घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, ML square by 3। ठीक है, ये तो वो है ना पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो किससे आती है कि सेंटर ऑफ मास तुम्हारा कितना ऊपर गया कितना नीचे आया, तो सेंटर ऑफ मास मेरा L by 2 ही नीचे आया है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। चलो आगे आते हैं, अब देखो रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो जैसे कि हमारे पास में एक रिलेशन था फोर्स वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, क्या था ये फोर्स वेक्टर इक्वल टू, ये था डीटी बाय डी, द रेट एट विच लीनियर मोमेंटम इज चेंजिंग इज फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। तो वैसे ही अगर सपोज मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं आर से, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, जैसे कि यहां पे आओ, ये तो इक्वेशन है ना वन, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कर दिया आर क्रॉस एफ, ठीक है, इक्वल टू आर क्रॉस डीपी बाई डीटी, तो मैं लिख सकता हूं आर क्रॉस एफ इक्वल टू d by dt r cross p, हाँ सही है, तो ये क्या बन गया r cross f, क्या होता है टॉर्क, और ये क्या बनता है r cross p, एंगुलर मोमेंटम, तो क्या बन जाएगा dl by dt। तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इस वाली इक्वेशन से आओ, ये वाली इक्वेशन कहां गई, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, ये है ना, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा डीएल बाई डीटी, ये क्या बन जाएगा, मतलब आई तो कांस्टेंट है, ये क्या बन जाएगा डी ओमेगा बाय डीटी, डी ओमेगा बाय डीटी क्या होता है, द रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग अल्फा, अल्फा तो आई अल्फा, और ये क्या होता है, आई अल्फा क्या होता है,
टॉर्क, तो ये लो यहां से भी सेम चीज आई मेरे पास में, तो यही चीज है। तो अगर किसी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना है तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स, फोर्स नहीं टॉर्क, टॉर्क होना चाहिए। क्या अकेले फोर्स से काम चलेगा? नहीं। अगर उस फोर्स का टॉर्क तुम्हारा जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अब कोई ऐसा एग्जांपल दो मुझे जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम तो चेंज हो रहा है लेकिन एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, बताओ। एक ऐसा एग्जांपल जहां पे लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है बट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। सोचो सोचो बताओ। एक ऐसा पॉइंट जहां पे एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है बट लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, बताओ। फ्री फॉलिंग बॉडी। यस, फ्री फॉलिंग बॉडी। सपोज ये मेरे पास में सरफेस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से छोड़ दिया, यहाँ पे उसका वेलोसिटी जीरो, जब वो नीचे आ रहा है यहाँ पे वेलोसिटी वी और नीचे आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा v प्लस, यहाँ पे और नीचे आएगा तो v प्लस प्लस। अगर मैं इसी पॉइंट के, सपोज मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो इसके फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? जीरो, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ये देखो ना, जो लाइन ऑफ एक्शन है मोमेंटम की, वो से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम इज जीरो बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्यों ऐसा क्यों हुआ बताओ? क्योंकि इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे mg, टॉर्क जीरो, तो mg फोर्स तो इसी से पास हो रहा है ऑब्जर्वर से, तो हम बोलेंगे कि टॉर्क ऑफ mg जो है वो कैसा आ रहा है? जीरो। सो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। देखो ना, अगर टॉर्क ही जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, इसलिए लीनियर वेलो सिटी चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और पढ़ते हैं, और एग्जांपल देता हूं, हम सब ने वो ना पढ़ा हुआ है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, याद है सर? ऊपर के जाना। हाँ ये, हाँ सर, हाँ बताओ इसमें क्या? नहीं सर, वो लिखना है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। ओके, तो सपोज एक पार्टिकल को मैंने यहां से थ्रो किया विद द वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा, तो हमारा ऐसा मोशन होता है ना, प्रोजेक्टाइल होता है, याद है सब कुछ? यस। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है?
सपोज ये एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी तुम्हारे पास में यू है, तो ये तो आता है मैक्सिमम हाइट, तो ये आता है मैक्सिमम हाइट, तो हाइट कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. रेंज क्या होता है u square sin 2 theta by g. Okay. Time of flight क्या होता है u sin theta by g. तो ये ऐसे लिख दिया मैंने फालतू, बस वाला रिवीजन करवाने के लिए. अब सपोज इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ O, और मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जर्वर को बिठा दिया. अब मुझे देखना है कि इस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम मुझे चेक करना है. तो पहले देखो क्या इस पॉइंट के अबाउट में सिस्टम का टॉर्क है. सपोज जैसे यहाँ पे आ गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आ जाएगा, 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 है ना. हर पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं उसके पास में, बस एक ही फोर्स तो लग रहा है एम जी, है ना. और एम जी का जो ये आ रहा है टॉर्क, वो कहां की तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. हर पॉइंट पे मैं लिख सकता हूं एट एवरी पॉइंट टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट ओ इज टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए बताओ. जब पार्टिकल ने स्टार्ट किया उस टाइम कितना था एंगुलर मोमेंटम? जीरो. क्यों? उसी पॉइंट से स्टार्ट किया है तो उसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है, आगे आगे जा रहा है लीनियर मोमेंटम, उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, स्लो डाउन होता है ना पार्टिकल ऊपर जाते टाइम, तो लीनियर मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है. तो देखो अगर मैं बात करूं कि एंगुलर मोमेंटम यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी, अगर मैं पूछता हूं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एट पॉइंट पी, बताओ क्या आएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होता है? यू कॉस थीटा. यू कॉस थीटा एंड दैट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल, यू कॉस थीटा. अब बताओ क्या बन जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन इसकी निकाली मैंने ये वाली, है ना, इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी मैक्सिमम हाइट. तो क्या बन जाएगा, एम यू कॉस थीटा. तो ये तो बन गया पी, और डिस्टेंस कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना. चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना होगा एट पॉइंट क्यू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट क्यू, बताओ क्या होगा? सर हाइट जीरो हो जाएगी. हाँ हाइट जीरो हो जाएगी ना. अरे लेकिन हाइट जीरो हो जाएगी उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या उसका एंगुलर मोमेंटम भी अपने जीरो हो जाएगा? सोचो सोचो फॉर्मूले में क्या है क्या नहीं है. देखो पहले तो ये बताओ कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितना रहता है,
तो देखो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट तो यहाँ की तरफ होता है u sin थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ होता है हॉरिजॉन्टल जो कि सेम रहता है u cos थीटा। u cos थीटा जो वेलोसिटी है वो तो इसी पॉइंट से पास हो रही है राइट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसका तो आएगा नहीं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किससे आता है, इससे है ना, तो क्या बन जाएगा m, उसका वेलोसिटी कितना है u sin थीटा, और ये है उसका जो लीनियर मोमेंटम की लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन से उसका डिस्टेंस कितना है, रेंज क्या है, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो एंगुलर मोमेंटम हर पॉइंट पे है, कभी जीरो नहीं है उसका, क्यों, बिकॉज देयर इज टॉर्क। देखो ना mg का हर जगह पे टॉर्क आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जीरो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई आगे आते हैं, जैसे इन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हमने एक देखा था कि सपोज एक बॉम्ब है, इसके अंदर ब्लास्ट हो गया, तो इसका इनिशियल हमारे पास कितना था, वो अपने मोमेंटम जीरो, तो फाइनली भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा ना। तो अगर इसका एक पार्ट m by 2 अगर यहाँ की तरफ गया है विद द वेलोसिटी v, तो जो इसका एक और पार्ट m by 2 है उसको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड वाला m by 2 स्टेशनरी रहे, लेकिन राइट वाला भी स्टेशनरी, उसको जानना ही पड़ेगा क्योंकि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो इसको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, ठीक है। तो हम बोलते थे कि p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल कब, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर मेरे पास नहीं है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। वैसे ही अगर मैं यहां पे आ जाऊं, If torque, ठीक है, on system is zero. Suppose किसी system पे जो सारे forces का जो torque है वो मान लो zero है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तुम्हारे पास होता है ना torque equal to होता है dl by dt, ये अगर zero है तो इसका मतलब क्या हुआ, angular momentum of the system will be constant. राइट है ना, बोल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है, अगर मैंने किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क ही नहीं लगाया है, बच्चे बहुत कम हो गए हैं, 27 हो गए, वाह बेटा, अगर एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का कुछ एल है और अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, एक्सटर्नल देखो मैं इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंटरनल फोर्स का समेशन कितना हो जाता है, जीरो, तो वैसे ही जो इंटरनल टॉर्क है उनका भी कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो जैसे तुमने वो देखा है, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं इसके, सपोज एक मैन है, इसने अपने हाथ ऐसे किए हुए हैं और ये यहाँ पे खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है, और ये यहाँ पे ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, और फिर इसने एकदम से अपने हाथ कहते यहाँ पे अंदर ले लिया, इसने हाथ ऐसे कर लिए, तो बताओ इसका जो ओमेगा डैश है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज, तो हम बोलते हैं ये इस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन हो रहा है,
तो इस एक्सिस के अबाउट में इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, आई ऑफ मैन इनटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम फाइनल कितना हो जाएगा, एल आई ऑफ मैन इनटू ओमेगा डैश। कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है, मैन ने अपने हाथों को अपने आप ही अंदर ले लिया है, हाथ बंद कर दिए हैं। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले केस में ज्यादा है कि दूसरे वाले में? पहले वाले में उसने हाथ को स्प्रेड किया हुआ है, हाथ उसके दूर दूर हैं। मास जब दूर दूर होता है तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आता है, ज्यादा आता है, राइट? एक मास का डिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा तो तुरंत ज्यादा आएगा ना। यहाँ पे मास मेरा एक्सिस के पास में आ गया है तो मैं कह सकता हूं ना कि आई एम डैश इज लेस देन आई एम, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा विल इंक्रीज, ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा। ये तुमने वो जो आते हैं ना कौन से स्केटिंग वाले जो होते हैं यार, जो आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं, देखा होगा ना टीवी में कभी, तो वो जब रोटेट करते हैं वो तो हाथों को एकदम अंदर और ले लेते हैं, तो जैसे ही हाथों को अंदर ले लेते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे एमजी फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे एमजी लग रहा है, तो एमजी जो है वो इसी लाइन से पास हो रहा है ना, तो इस लाइन के अबाउट में उसका जीरो बन जाता है टॉर्क। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो फिर तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो जैसे उसके अंदर होता था ना कि एक बॉल को अगर मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंका है तो मैं कहां की तरफ जाता हूँ, पीछे की तरफ जाता हूँ, तो उसी टाइप से ये है, चीजें होंगी चेंज। जैसे चलो एक और एग्जांपल करता हूं, सपोज एक ये है ना डिस्क है एक, हाँ, ये एक डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो सकती है, एक जो अपना वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट में मैं रोटेट हो सकती है ऐसे, ठीक है। और सपोज मैं कि ये ना इनिशियली स्टेशनरी है, एक मैन इसके ऊपर खड़ा है, ये जो है ना डिस्क, इसका मास है कैपिटल एम, इसका रेडियस है आर, जो मैन है इसका मास है स्मॉल एम, सब कुछ स्टेशनरी है। स्टेशनरी है तो पूरे सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल ओमेगा इज जीरो, सो आई कैन से एंगुलर मोमेंटम जो मेरा इनिशियल है वो कितना बन जाएगा, जीरो। अगर किसी के पास वेलोसिटी नहीं है, किसी के पास में ओमेगा ही नहीं है, तो एवरीथिंग इज जीरो। अब मैन ने क्या चेक किया, मैन स्टार्टेड वॉकिंग ऑन रिम, जो ये जो है ना रिम जो है सर्कमफेरेंस, विद वेलोसिटी वी आर, और जो वी आर है ये क्या है ना रिलेटिव टू ये है डिस्क है। तुमसे पूछा गया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। जैसे तुमको वो क्वेश्चन याद है अपने एससीवी के अंदर थे कि एक मैन है वो बोट के ऊपर खड़ा है और वो विद ए वेलोसिटी यू उससे जंप करता है, वेयर यू इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद द बोट। तो तुमसे वो फाइनली पूछते थे कि बताओ कि जो मैन है उसका वेलोसिटी अपने ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा और जो तुम्हारा बोट है उसका ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा, क्या हुआ है? सर हाँ, तो उसी टाइप से हम यहाँ पे अप्रोच करते हैं। देखो ये जो वी आर है ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखो मैन आगे कैसे जा पाएगा, जब मैन के पांव पे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक बार के लिए ये जो है ना डिस्क इसको ऊपर से देखता हूं, टॉप व्यू इसका देखा मैंने देखा कि ये यहां से ऐसे है, मैन को आगे चलना है तो मैन के ऊपर फोर्स कहां लगेगा, आगे फ्रिक्शन, राइट भाई, फ्रिक्शन लगेगा तो ही तो आगे जाएगा ना। तो मैन पे आगे लगेगा तो इस पे कहां लगेगा, डिस्क पे, यहां पे लगेगा पीछे अपना एक्शन रिएक्शन,
तो देखो इस पॉइंट के बाद, तो अगर मैं बोलूं कि टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है, अगर मैं होल कहते हैं अपने इसको ले लो अपने सिस्टम को, इसमें क्या है सिस्टम में, डिस प्लस मैं, तो बताओ कितना टॉर्क आएगा इस फोर्स का यहाँ की तरफ, इस फोर्स का यहाँ की तरफ, फोर्स भी सेम है और इनका डिस्टेंस भी सेम है, तो कितना बन गया टॉर्क, जीरो। टॉर्क अगर जीरो है तो आई विल से कि एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। अब उसको कंजर्व बोलना है कंजर्व बोल दो, कांस्टेंट बोलना है कांस्टेंट बोल दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। ओके पर जीरो ही रहेगा क्या? यस हमेशा जीरो रहेगा भाई, जैसे कि तुम्हारे पास में तुम एक प्लैंक पे खड़े थे, तुम अगर फॉरवर्ड में गए थे तो तुम्हारा प्लैंक कहाँ गया था, बैकवर्ड, राइट? हाँ ओके। तो अब देखो, तो ये तो मैंने बोल दिया जीरो रहेगा, अब मैं देखता हूँ जीरो कैसे रहेगा, तो मैंने इसका एक और वो बनाया, डायग्राम बनाया टॉप व्यू। अब ये ग्राउंड फ्रेम में देख रहा हूं मैं, सपोज ये तो मैन जो है, मैन का वेलोसिटी यहां की तरफ सपोज मैंने बोल दिया v, ग्राउंड फ्रेम में है, ठीक है। अब देखो मैन आगे जाएगा तो इस पॉइंट के अबाउट में मैन कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मेरा नीचे वाला जो है डिस्क है उसको कैसा घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा ओमेगा, ताकि एक मेरा वेक्टर ऊपर की तरफ आए एक नीचे की तरफ आए। अब देखो, अब मैं करता हूं कि जो हमारा इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी कितना होना चाहिए, जीरो। तो मुझे पता है कि एल फाइनल विल ऑल्सो बी जीरो। तो जो मैन है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना बन जाएगा भाई, वेलोसिटी वी, मास स्मॉल एम, उसका डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर आर, तो क्या बन जाएगा, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, एम वी इंटू आर। इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, इसके उसके ऊपर, क्योंकि ठीक है ना, दो वेक्टर का समेशन जीरो है तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। ये जो डिस्क है ये इस पॉइंट के अबाउट में प्योर वो कर रहा है ना, रोटेशन कर रहा है, ये पॉइंट तो फिक्स है ना। तो अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका इस एक्सिस के अबाउट में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना इनटू ओमेगा, सही है ना। जितना एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है उतना ही एंगुलर मोमेंटम मैंने कैसा कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो फाइनली मेरा कितना बन गया, जीरो बन गया ना। सर हमने वो क्यों नहीं यूज किया आई ओमेगा, आई ओमेगा ही तो किया मैंने, मैन का एनवीआर क्यों? अरे तो मैन, चलो ठीक है मैन के लिए आई ओमेगा, मैन का आई क्या होगा, एम आर स्क्वायर, हां सर, और उसका ओमेगा कितना होगा, वी बाय आर। तो एक ही बात है ना, तो एक ही बात है यार, चाहे तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला लगा दो या ये लगा दो, आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। तो जैसा तुमको अच्छा लगे वो कर दो, मैंने वो वाला कर दिया कि मैन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, आर क्रॉस पी। ओके, यहां तो यहां से मेरे पास में क्या रिलेशन आ गया, एम वी इक्वल टू एम आर बाय टू इंटू ओमेगा, ये इक्वेशन हुआ। अब मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अब मुझे इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है मैन का, तो मैन को देखते हैं, मैन का वेलोसिटी आगे की तरफ कितना है, वी। ये जो पॉइंट होगा डिस्क का, इसका वेलोसिटी यहां की तरफ कितना होगा, ओमेगा इंटू आर। तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, वी प्लस ओमेगा आर, और ये मुझे दिया हुआ है वी आर। अब मेरे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, आई कैन फाइंड ओमेगा, आई कैन फाइंड वी, चलो फाइंड करो क्या आएगा। समझ में आया ना इक्वेशन टू, मैन आगे जा रहा है विद द वेलोसिटी वी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डिस्क वाला वो पीछे की तरफ जा रहा है ओमेगा इनटू आर से, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम एडिशन बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सर एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा कहां से है? अरे उसका ना अपना एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क,
भाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मैन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। तो मैन का एंगुलर मोमेंटम कैसा आ रहा है, ये वाला आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका कैसा आ रहा है डिस्क का क्लॉकवाइज। तो इनका समेशन कब होगा जीरो, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैंने मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया बस दोनों। तो मैन के लिए mvr और अपने डिस्क के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और फिर मुझे दिया हुआ था कि भाई रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो vr है। तो मैंने देखा मैन आगे जा रहा है v से और जो डिस्क वाला पॉइंट है वो पीछे आ रहा है अपने ओमेगा आर से। तो रिलेटिव कितना हो जाता है जब अपने ऑपोजिट होते हैं, तो एडिशन, ये भी आर। अब मेरे पास ओमेगा भी आ जाएगा और वी भी आ जाएगा। ओमेगा आएगा 2vr/3r। कितना आएगा vr/3। नहीं यार ऐसा कैसे आएगा, अब उनके इक्वल मास नहीं है ना, अलग अलग है दोनों के, एक का स्मॉल m एक का कैपिटल m है, कैंसिल मत कर देना। मेरे को पता है ना तुम क्या कर सकते हो। देखो होमवर्क क्वेश्चन, अब तुमने मेरे ख्याल से 46 तक कर लिए होंगे राइट, 45 तक। तो अभी तुमको करना है क्वेश्चन 46 से कर सकते हो व्हील कर सकते हो नहीं 58 तक। ये हमारे पास में एससीवी के हैं, ये सारे एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चन हैं कि तुमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है या फिर तुमको एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं कंजर्वेशन लगाना है। सर उसके आगे वाले कौन से होंगे, हां 58 के आगे वाले कौन से क्वेश्चन होंगे? उसके आगे वाले भी हैं एंगुलर मोमेंटम के ही हैं, लेकिन कोलिजन वाले क्वेश्चन है, जैसे उसमें था ना इंपल्स एंड कोलिजन अपने सेंटर ऑफ मास में, वैसे ही इसके अंदर आता है एंगुलर इंपल्स, तो उसको भी करेंगे। तो अभी हमारा जो है, जैसे देखो सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है उसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस सेम है, तो हमको सीक्वेंस को फॉलो करना है। उसमें भी यही था कि जब कंजर्वेशन आया था पहले हमने ये किया था कि मास आगे गया ये पीछे आया कितना घूमा कितना नहीं घूमा, सेम चीज यहाँ करेंगे, फिर बाद के अंदर कोलिजन वाले करेंगे हम। बताओ कुछ डाउट जो भी आज हमने किया। चलो बुकलेट वन का पढ़ा के हो गया ना पूरा। हाँ सर बुकलेट वन का पूरा हो गया ना पढ़ा के। अब यार मेरे को ये नहीं पता बुकलेट वन में क्या है, उसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं है ना बुकलेट वन में, तो काइनेमेटिक्स तक ही है ना। हाँ, तो मतलब अभी तुम एससीवी करो बस, 12 क्वेश्चन करो ये वाले है ना, उसके बाद के अंदर अपना बुकलेट स्टार्ट करना। और पहले एससीवी के जो सॉल्व एग्जांपल है बुकलेट 1 में काइनेटिक एनर्जी तक है। हाँ तो जो काइनेटिक एनर्जी वाला सिलेबस है वो तो आ ही गया ना अपने, इसमें भी है सीए में भी आ, और अभी जो तुम्हारा पार्ट टेस्ट होगा उसके अंदर ये चैप्टर पूरा आएगा रोटेशन, तो उसको थोड़ा अच्छे से करो। ओके चलो बाय 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 सर थैंक यू बाय सर नोट्स भेज देना। हाँ 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 ठीक।